मोस्टली सारा कुछ ही बंद हो चुका है, कहीं भी चिल आउट नहीं कर पा रहे हम तो, किसी पार्टीज में, पब्स में, कहीं भी जा रहे हैं, मेट्रोस में, हर जगह क्राउड भी बिल्कुल कम हो चुका है। दिक्कत तो हो ही रही है बिकॉज शॉप्स भी बंद है, काफ़ी चीज़ें बंद हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली दिक्कत हो रही है, काफ़ी चीज़ें लेनी होती है, इमरजेंसी हो जाती है काफ़ी टाइम पे, तो काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं इस वजह से। ऑब्वियसली कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ऑब्वियसली अभी सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं। भाई मैं पिछली बार भी आया ही इतने सीपी, तो उदो बहुत ज़्यादा क्राउड से इतने, तो हूँ क्राउड भी घट आ, हर बंदे मास्क पा के छिक जो बंदा मार रहा तो कोल ही नहीं लंघ रहा कोई, इन्ना खौफ आ करोना का। तो असी आप अपना सैनिटाइजर जेब च लैके घूम रहे हैं कि सानू भी कितने करोना ना हो जाए, इस करके बहुत ज़्यादा खौफ चल रहा है करोना का। करोना का बहुत असर है यहाँ पे, पूरी मार्केट जो है करोना के चक्कर में एकदम खाली पड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूँ देवांजलि मोइत्रा। चीन, इटली, ईरान, अमेरिका में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला चुके खतरनाक कोरोना वायरस से भारत में भी जबरदस्त खौफ बना हुआ है। मोदी सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रही हैं। तो वहीं आम जनता भी जरूरी एहतियात बरत रही है। भारत में अब तक 3 मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं धीरे धीरे संक्रमित लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। कारोबार पर इसका जबरदस्त असर पड़ रहा है, तो वहीं दिल्ली सरकार ने भी जिम, मॉल, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वायरस का असर अब मार्केट में भी देखने को मिला है। इस समय हम दिल्ली के जनपद मार्केट में हैं। आम दिनों में ये मार्केट पूरी तरीके से कस्टमर जो है यहाँ दूर लोग आते हैं, जो बाहर से भी लोग आते हैं इस एरिया में मार्केटिंग करने के लिए आते हैं, और आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से मार्केट एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। हमने दुकानदारों से भी बातचीत की, दुकानदारों का भी साफ कहना है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर के बातें कही जा रही हैं और सरकार भी निर्देश कर रही है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, तो उसके चलते लोग अब घरों में रहने को मजबूर हैं, लोग मार्केट नहीं आ पा रहे हैं और इनका असर इनकी जीविका पड़ रहा है। इनका कहना है कि जो इनके परिवार लोग, ये लोग बाहर से लेके रहते हैं, अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो परिवार को दो वक्त का भोजन देना पाना भी मुश्किल होगा। कोरोना के साए में जी रहे लोगों का इस खतरनाक वायरस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पे मौजूद लोगों से, वो क्या सोचते हैं इस कोरोना वायरस पर। हाँ, काफी माहौल उसकी वजह से खराब हुआ पड़ा, कोई भी कहीं कहीं पार्टीज पे जाओ कोई क्राउड नहीं है, सब कुछ टोटली बंद पड़ा हुआ है, तो उसके काफी साइड इफेक्ट्स वगैरह जो है काफी नजर आ रहे हैं। हर कोई मास्क वगैरह पहन के घूम रहा है मोस्टली, और हर कोई प्रोटेक्शन अपने यूज कर रहा है। हाँ जी, हाँ तो बढ़िया किया, अगर करवा दिया तो सेफ्टी के पर्पज से करवाया। हाँ, मोस्टली सारा कुछ ही बंद हो चुका है, कहीं भी चिल आउट नहीं कर पा रहे हम तो, किसी पार्टीज में, पब्स में, कहीं भी जा रहे हैं, मेट्रोस में, हर जगह क्राउड भी बिल्कुल कम हो चुका है। सेफ्टी को बस सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं भाई, सैनिटाइजर यूज हो रहा है, मास्क अपने यूज कर रहे हैं। सीपी में काफी बदलाव है, जो पहले क्राउड होता था वो क्राउड बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, कहीं कुछ खाने के लिए जाओ मोस्टली शॉप्स वगैरह काफी बंद है। दिक्कत तो हो ही रही है बिकॉज शॉप्स भी बंद है, काफ़ी चीज़ें बंद हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली दिक्कत हो रही है, काफ़ी चीज़ें लेनी होती है, इमरजेंसी हो जाती है काफ़ी टाइम पे, तो काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं इस वजह से। ऑब्वियसली कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ऑब्वियसली अभी सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं, घर पे रहते हैं ज़्यादातर, जितने भी लोगों के व्यापार वगैरह चल रहे हैं वो भी काफ़ी बंद हो जा रहे हैं, तो काफ़ी लॉस हो रहा है इस वजह से सबको। अभी हाँ, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट रूम्स बनाए हैं फॉर दी पीपल हु आर सफरिंग विद कोरोना, सो इट इज दे आर डूइंग, अपना बेस्ट कर रहे हैं सब, तो और अच्छा करना चाहिए। और आप लोग क्या किस चीज का ध्यान रख रहे हैं कोरोना के लिए? सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में कम जाएं, जिम ना जाएं, ये सारी चीज़ें। अभी आप बाहर हैं, कितना बदलाव लग रहा है, भीड़ कितनी कम लग रही है? भीड़ बहुत कम लग रही है, इसलिए हम बाहर घूमने आए कि हाँ चलो भीड़ कम है तो हम जा सकते हैं। भाई मैं पिछली बार भी आया ही इतने सीपी, तो उदो बहुत ज़्यादा क्राउड से इतने, तो हूँ क्राउड भी घट आ, हर बंदे मास्क पा के छिक जो बंदा मार रहा तो कोल ही नहीं लंघ रहा कोई, इन्ना खौफ आ करोना का। तो असी आप अपना सैनिटाइजर जेब च लैके घूम रहे हैं कि सानू भी कितने करोना ना हो जाए, इस करके बहुत ज़्यादा खौफ चल रहा करोना का। मॉल आप घूम ही नहीं पाए, मॉल वगैरह बंद करके सानू बड़ा, अभी घूमन आए इतने चिल आउट नहीं कर पाए, क्राउडेड प्लेसिस नहीं जा पाए, आप जाना ही क्लबिंग जाना ही, उत्थे क्राउड ही नहीं सी।
सुरक्षा आप मेन तो एक मास्क लिया एक सैनिटाइजर जिथे भी असं कि जाइए तो मेन सैनिटाइजर हाथ पा ले उत्तों सैनिटाइजर 250 का कर दिता जी छोटी डब्बी इन्नी महंगी चीज़ करते भाई कदम तो सही चक्या उन्होंने क्योंकि करोना आ तो बाहरों ही रहा है कि नहीं इतने ही बनया है फ्लाइट्स बंद करके बहुत वधिया गल की कि फ्लाइट सारी बंद हो गए हाँ फैले ना बहुत वधिया कदम है जी। कोरोना का बहुत असर है यहाँ पे पूरी मार्केट जो है कोरोना के चक्कर में एकदम खाली पड़ी हुई है। कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों को? काम धाम बिल्कुल चौपट है एकदम इस समय है कोरोना बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रहा है। नहीं नहीं इस चक्कर में इस चक्कर में मार्केट पूरी सूनी पड़ी है खाली पड़ी हुई है एकदम। हाँ जी हाँ उससे संतुष्ट है सरकार अच्छा काम कर रही है। बलवीर सिंह बलवीर जी किस तरीके की स्थिति है मार्केट में? मार्केट में बहुत बुरा हाल है भाई साहब कस्टमर निकलने के लिए तैयारी नहीं है। क्या वजह है? वजह वही है कोरोना वायरस के चक्कर में कोई कस्टमर निकलने के लिए तैयारी नहीं है। कितना आप लोग को रोजमर्रा की कमाई में कितना असर पड़ा? कमाई तो ये मान लो बस जब 100% है 10% ही रह गई है अपना खर्चा भी नहीं निकल रहा है। परिवार के लिए कितना मुश्किल होगा? बहुत ज्यादा मुश्किल है अब ये ऐसा ही रहा तो हालात ही बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। सरकार जो कदम उठा रही है कोरोना ना फैले उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है सरकार करे और अच्छे से अच्छा करे बहुत अच्छा करे सरकार अच्छा कर रही है। असर तो 90% दिख रहा है और मुझे लगता है अगले 8-10 दिनों में 100% पूरा खाली हो जाएगा। सरकार जो प्रयास कर रही है वो कर रही है वो तो मतलब अपने हिसाब से कर रहे हैं ये इसमें भी लोगों का ही बेनिफिट है। गरीब तबका तो ऑब्वियसली है जब मतलब नेचुरल डिजास्टर होता है तो इसमें तो ऑब्वियसली हो ही जाता है चाहे अमीर हो गरीब हो दोनों पे फर्क पड़ता है। भीड़ में तो 80% बदलाव हो गया है। मैं हाँ लोग बहुत ही कम निकल रहे हैं इस वजह से क्योंकि लोगों में मतलब फेयर बहुत ही ज्यादा है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। कोरोना को लेकर ये जो पब्लिसिटी वगैरह की गई है उससे लोगों के दिल में डर बहुत बैठ गया है। इतनी डेंजरस नहीं है अगर इसको टाइम पे प्रिक्वेट किया जाए तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है एंड गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग विद देयर बेस्ट। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और इसको काफ़ी कंट्रोल भी किया हुआ है। लोग भी बड़ी समझदारी से काम ले रहे हैं बार बार अपने हाथों को धो रहे हैं वॉश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग कम से कम बाहर आएँ ताकि एक दूसरे से ना फैलें। जो पिक्चर हॉल वगैरह स्कूल बंद करना ये गवर्नमेंट की एक समझदारी का निशानी है कि ना लोग इकट्ठे होंगे ना ये फैलेगा और ना ही इससे ज़्यादा नुकसान होगा। जहाँ तक इसका डर बहुत ज़्यादा है लेकिन इफ़ेक्ट इतना इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इंडिया में इतना ज़्यादा इसका कोई है नहीं और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 15-20 दिन में ये पूरा कंट्रोल हो जाएगा। गवर्नमेंट जो कदम उठाई है इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह लोगों का भी कैंसिल कर दिया है? हाँ वो इसलिए कर दिया कि लोग बाहर से डिसीजेस को लेके आ रहे थे। ये ठीक है कि रेवेन्यू का बहुत तगड़ा लॉस हुआ है एम्प्लॉयमेंट पर बहुत असर पड़ा है लेकिन लाइफ भी बहुत सेफ हो गई है। अब वो लोग यहाँ आ रहे थे 14 डिटेंशन सेंटर में रह रहे थे उनके ऊपर फिर उपचार हो रहा था। इससे बेटर ये है कि वो जहाँ पर है वहीं रहे और वहीं अपना ट्रीटमेंट करवा लें क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है अगर यहाँ पे लाइन लग गई तो लोगों का इलाज होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लोगों का आना बंद किया है। ज़्यादा काम धंधा पे मार्केट में बहुत ज़्यादा असर है काम ही नहीं चल रहा मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में भीड़ भाड़ नहीं है इसलिए काम नहीं चल रहा। कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? नुकसान क्या 100-150 रुपये भी नहीं कमा पाते घर का खर्चा नहीं निकल रहा और क्या। कोरोना को लेकर सरकार जो कदम उठा रही है जिस तरीके से एहतियात बरतने को लेकर क्या आप मानते हैं? बढ़िया मानते हैं हम तो कहते हैं सरकार अपनी है अच्छा ही करेगी जो भी करेगी वो तो भी चाहेगी सबका अच्छा ही। सारी चीज़ों को बंद किया गया मॉल वगैरह इसलिए कि ताकि अगर कोरोना हो किसी को है भी तो वो फैले ना तो उससे वो संतुष्ट हैं वो जो भी कदम उठाएगा उसके साथ हैं हम। लेकिन मायूसी ये है कि घर चलाने के लिए रोजमर्रा की कमाई नहीं हो पा रही या वो तो सब भी देखना पड़ेगा अपने आप को बचाना है तो वो भी देखना पड़ेगा ना और अपने आप को सुरक्षित रखना है जब ही तो आगे कुछ कर पाए। परिवार को अपना किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? परिवार को साफ शुद्ध हवा में रखते हैं और ये बाहर घूमने को आज्ञा नहीं है हम अकेले घूमने आते हैं। काफ़ी भय है जी इस टाइम पब्लिक में
और देखो ड्यूटी वाला या काम जो कर रहे हैं वो तो सब कर ही रहे हैं, पर फिर भी इसके लिए प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, जैसे कि नोज मास्क लगाना और अपने हाथ बार बार साबुन से साफ करना। गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है उससे क्या संतुष्ट है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखो स्वास्थ्य विभाग इसमें काफ़ी जागरूक कर रहा है, और अगर मान लिया किसी को कुछ थोड़ी भी परेशानी है तो उसे जाके स्वास्थ्य विभाग में अपना चेकअप कराना चाहिए। कोरोना को लेकर जिस तरीके से बंदी हुई है, क्या लगता है कितना नुकसान हो रहा है? देखो जी इसका कोई आइडिया नहीं जी, बाकी है फर्क काफ़ी है जीवन पे। कितना लग रहा है, कितना असर पड़ा है कोरोना का जब से हल्ला हुआ है, और कितना आप लोग के रोजगार पर कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा काम ही नहीं भेजा इस समय, 80% काम पिट गया, खाली 20% काम है, रोड सन्नाटा है, कोई सवारी नहीं है। कितना नुकसान पर डे का हो रहा है? पर डे का आधा ज़्यादा हो रहा है भैया, 500-600 का नुकसान हो रहा है, 500-600 काम हो रहा है, 400-500 काम हो रहा है, इसमें गाड़ी की दिहाड़ी भी देना होता है, गैस भी होते हैं, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। शॉपिंग मॉल वगैरह भी बंद है तो युवा भी नहीं निकल रहे हैं, जितने यूथ है वो भी कोई नहीं आ रहा, रोड सन्नाटा है, सब चीज़ बंद है, बहुत दिक्कत हो रही है। घर चलाना कितना मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल हो रहा है भैया, बहुत मुश्किल हो रहा है समय। आप लोग अपना किस तरीके से सुरक्षा कर रहे हैं? सुरक्षा कर रहे हैं, मास्क पहन के सुरक्षा कर रहे हैं, केमिकल लेकर रखते हैं, हाथों धोते हैं। और किस से देखिए, कोरोना के वजह से जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके जो कहा है, जो संवेदनशील एरिया में ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो और शादी का जो डेट है वो पीछे कर दे, और ज़रा जमाव लोगों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, और जो मास्क का इस्तेमाल करे और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करे, वो सरकार ने अच्छा फैसला लिया और लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसा कि ये वायरस है, वायरस ये फैल सकता है, इसीलिए बिल्कुल संतुष्ट है, और केंद्र सरकार भी एकदम एक्शन में है, और हमारे हर्षवर्धन जी भी अच्छा अच्छा कदम उठा रहे कोरोना के लिए। जो विदेशी जितना विदेशी आ रहे हैं उनके भी जांच हो रहे हैं आपका एयरपोर्ट में, तो सरकार अच्छा काम कर रहा है कोरोना के लिए। बहुत पूरा असर है जी, यहाँ पे सारी मार्केट में पूरा कर्फ्यू सा लगा हुआ है, एक तरह से काम ही नहीं है बिल्कुल। मार्केट जीविका पे कितना असर पड़ा है? हमारी जीविका पे क्या असर पड़ेगा, हम तो भैया देसी आदमी है, हमारे कोई असर नहीं पड़ने वाला। कमाई पे तो पूरा फर्क है, काम है ही नहीं, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सरकार तो अपनी जगह काम कर रही है, सरकार क्या करेगी, इसमें तो महामारी है, इसमें सरकार क्या करेगी, सरकार को दोष क्यों दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कई सख्त कदम उठाए। सीएम ने सोमवार को संक्रामक बीमारी एक्ट 1897 के तहत सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गोलबंदी में 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इससे विवाह समारोह को अलग रखा गया, ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इसका असर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर भी आएगा, मतलब शाहीन बाग में प्रदर्शन नहीं हो पाएगा।